बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की प्रीवियस वीडियो के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है यूजिंग टीसीपी। हमने देखा कि टीसीपी का सेगमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से टीसीपी के थ्रू हम रिलायबल डेटा ट्रांसफर को पॉसिबल बना सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से टीसीपी अपना जो राउंड ट्रिप टाइम है उसको यूज करते हुए टाइम आउट इंटरवल को एस्टिमेट करता है। तो हमने डिस्कस किया कि टीसीपी किस तरह से अपनी जो टाइम आउट वैल्यू है उसको एस्टिमेट करता है। हमने कहा कि आरटीटी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी, बहुत लंबी होगी, तो उससे आपके जो रिट्रांसमिशन है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, तो आपका ओवरऑल जो नेटवर्क की एफिशिएंसी है वो डिग्रेड हो जाएगी। और हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर आपने आरटीटी की वैल्यू बहुत छोटी रखी तो उसकी वजह से प्री मेच्योर टाइम आउट हो जाएगा और अननेसेसरी रिट्रांसमिशन होंगी जो कि आपके नेटवर्क के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो कि आपकी जो बैंडविड्थ है उसे अननेसेसरी यूटिलाइज करेंगी। हमने कहा कि तो किस तरह से हम आरटीटी को एस्टिमेट करें, उसके लिए हमने कहा कि हम एवरेज ऑफ सैंपल आरटीटी लेके अपने एस्टिमेटेड आरटीटी के फॉर्मूला के थ्रू उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा कि हमारा जो मकसद है मेन एस्टिमेटेड आरटीटी को कैलकुलेट करने का वो क्या है कि सैंपल आरटीटी की वैल्यू अगर हम ग्राफ से देखें तो ये बहुत फ्लक्चुएट करती है। इसको बिट स्मूदर बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमने एस्टिमेटेड आरटीटी के अंदर कुछ वेरिएबल्स का इंक्रीमेंट करके हमने कहा कि अगर उसके थ्रू हम कैलकुलेट करें तो हमारी एस्टिमेटेड जो आरटीटी की वैल्यू है वो स्मूदर आती है। लेकिन अगेन हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो हमारे पास ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास जो एस्टिमेटेड आरटीटी है वो भी वेरिएट कर रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको और एक्यूरेसी की तरफ लेके जाएं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि टाइम आउट इंटरवल के अंदर हम कुछ सेफ्टी मार्जिन इंक्लूड करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो एस्टिमेटेड आरटीटी है और जो सैंपल आरटीटी है उन दोनों की जो डेविएशन है वो कितनी है। तो यहाँ पे डेविएशन ऑफ आरटीटी कैलकुलेट किया गया यूजिंग दिस फॉर्मूला। बीटा की जो वैल्यू है टिपिकली 0.25 होती है। तो यहाँ पे सैंपल आरटीटी में से एस्टिमेटेड आरटीटी को माइनस करके डेविएशन आरटीटी को कैलकुलेट किया गया। डेविएशन आरटीटी बेसिकली क्या है कि कितना आपका जो सैंपल आरटीटी है और एस्टिमेटेड आरटीटी है वो आपस में डेविएट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने जो टाइम आउट इंटरवल कैलकुलेट किया जो कि टाइम आउट वैल्यू बताएगा हमें, वो क्या है कि जो आपकी एस्टिमेटेड आरटीटी है उसके साथ हमने एक सेफ्टी मार्जिन विच इज 4 times डेविएशन आरटीटी वो हमने प्लस कर दिया। इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो हम ऐसे ले सकते हैं कि लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रेवल करके जाएं, ठीक है, लेकिन आपने पहले एक एस्टिमेशन लगवाई। आप कह रहे हैं कि एक बंदा ट्रेवल करके आया ए से बी तक और वापस आने में उसे लगा लेट्स सपोज 30 minutes, ठीक है। तो आपने कहा कि हम जब ट्रेवल करेंगे ए से बी के दरमियान में तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 30 minutes तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन हम एक सेफ्टी मार्जिन ऑफ 15 minutes एड कर देते हैं इसके अंदर कि ए से बी पे जाने के लिए आपको 45 minutes लगेंगे, जबकि पहले जो एस्टिमेट किया गया था वो था, जो कैलकुलेट किया गया था आरटीटी वो था 30 minutes का, लेकिन आपने उसमें सेफ्टी मार्जिन इंक्लूड कर दिया क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंच जाएं। लेट्स सपोज आपको वहां पे कोई सेमिनार अटेंड करना है या कुछ भी, तो आप ये चाह रहे हैं कि आप एस्टिमेट इतना रखें कि सेफ्टी मार्जिन के साथ आप वहां पे पहुंच जाएं, ना कि आप उस इवेंट के बाद पहुंचे। तो उसके लिए आपने सेफ्टी मार्जिन रखा जो कि आपको एक एज दे देगा कि अगर 30 मिनट्स में नहीं तो हो सकता 33 मिनट्स में आप पहुंच जाए, हो सकता है आप 25 मिनट्स में पहुंच जाए। तो ये जो सेफ्टी मार्जिन है बेसिकली ये क्यों हम लगाते हैं कि हमारे पास जो एस्टिमेटेड आरटीटी है वो भी ओवर दी कंजेशन जो कंजेशन वैल्यू जैसे भी कंजेशन इंक्रीज होगा आपके नेटवर्क के अंदर तो आपके पास जो एस्टिमेटेड आरटीटी है वो भी फ्लक्चुएट कर सकती है। तो सेफ्टी मार्जिन बेसिकली आपको उस फ्लक्चुएशन को हैंडल करने में हेल्प आउट करेगा। हो सकता है जब ए से बी जब आपने एस्टिमेट किया तब यहाँ पे ट्रैफिक ना हो, लेकिन जब आप जा रहे हो तो वो ट्रैफिक हो, तो वो 15 मिनट जो आपने मार्जिन रखा वो आपके ट्रैफिक के दरमियान में जो जाया होंगे उसमें कवर अप हो जाएंगे और आप टाइमली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो ये सेफ्टी मार्जिन है बेसिकली इट इज फॉर दैट पर्पज। तो यहाँ पे जो हम डेविएशन आरटीटी की वैल्यू ली है उसको हमने 4 times मल्टीप्लाई करके सेफ्टी मार्जिन एड अप कर लिया अपनी एस्टिमेटेड आरटीटी के अंदर, ताकि हमारा जो टाइम आउट इंटरवल है वो
कैलकुलेट हो जाए। और अब इस टाइम आउट इंटरवल से हम कैलकुलेट करेंगे अपना जो यूज करेंगे इसको अपने टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर फॉर रीट्रांसमिशन और व्हाटसोएवर पर्पस वी यूज टाइमर फॉर। आगे चलते हैं आज। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है इट इज रिलायबल डेटा ट्रांसफर इन टीसीपी। टीसीपी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल के प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। अब उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए टीसीपी रिलायबल डेटा ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नेटवर्क लेयर है वो रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, तो रिलायबिलिटी आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाय सम प्रोटोकॉल। अब टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि रिलायबिलिटी प्रोवाइड करनी है जिसने, तो टीसीपी कैसे रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा, पाइपलाइन सेगमेंट्स के थ्रू क्यूम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और हर जो ट्रांसमिशन है उसके लिए वो टाइमर सेट करेगा। ट्रांसमिशन रीट्रांसमिशन जो है वो हमने हमें पता है कि वो ट्रिगर आउट होती है या तो अगर आपका जो कोई टाइम आउट इवेंट अकर हो जाए, लेट सपोज आपने एक टाइमर रखा लेकिन आपको आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुई टाइमर एक्सपायर होने से पहले पहले, तो जैसे ही टाइमर एक्सपायर होगा आप रीट्रांसमिट करेंगे वो पैकेट, ठीक है, या फिर अगर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए तो भी हम रीट्रांसमिशन करते हैं। सो इनिशियली हम क्या कंसिडर करें कि हमारा जो टीसीपी सेंडर है वो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट को भी इग्नोर कर रहा है, वो ओवरफ्लो अगर हो रहा है या कंजेशन कंट्रोल के जितनी भी मैकेनिज्म है उन्हें फिलहाल इग्नोर कर रहा है। एक सिंपल सा टीसीपी का सेंडर है जो कि डेटा को रीट्रांसमिट कर रहा है अगर टाइमर एक्सपायर हो जाता है, इसी तरह की वो जो सीक्वेंस नंबर एडिशन है या जो भी है इस तरह के काम वो कर रहा है। सब सेंडर की इवेंट्स क्या है, अगर आपको याद हो हमने जब प्रिंसिपल्स ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफर पढ़े थे तो हमने एफएसएम पढ़ी थी सेंडर की भी और रिसीवर की भी। तो ये वो इवेंट्स हैं जो कि रिसीवर साइड पे जो सेंडर साइड है उस पे अकर होंगे और उनका पर्पस क्या है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो सेंडर साइड से क्या होगा कि जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है उसने डाटा जनरेट किया और उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को वो डाटा सेंड कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो टीसीपी प्रोटोकॉल रन हो रहा है वो क्या करेगा, उस डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा और हर सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर असाइन कर देगा। सीक्वेंस नंबर क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट बाइट का जो भी नंबर होता है वो हमारा सीक्वेंस नंबर बन जाता है। उसके बाद स्टार्ट करेगा टाइमर अगर आपका ऑलरेडी टाइमर स्टार्ट नहीं है, ठीक है, और टाइमर हमेशा ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज पैकेट का होता है। अच्छा जब आपका टाइमर एक्सपायर होगा वो कब एक्सपायर होगा, जब आपका टाइम आउट इंटरवल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा लेट सपोज आपका इंटरवल कंप्लीट हो गया और आपको जो सेगमेंट है उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टाइम आउट है वो अकर हो गया है। अब जब भी टाइम आउट होता है तो हम रीट्रांसमिट करते हैं अपने सेगमेंट्स को और टाइमर को रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हमेशा कुछ एक्नॉलेज, अगर आपको याद हो तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि टीसीपी पाइपलाइन सेगमेंट सेंड करता है, तो पाइपलाइन में हमारे पास अनएक्नॉलेज पैकेट्स भी मौजूद है और एक्नॉलेज पैकेट्स भी मौजूद है। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास अनएक्नॉलेज पैकेट अनएक्ट पैकेट्स मौजूद है और हमारे पास एक्ट पैकेट्स मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं लेट्स सपोज के दरमियान में हमारे पास जो एक्नॉलेज पैकेट्स हैं वो हमारे पास मौजूद है इस वक्त सेवन, हम कहते थे सेवन हमारे पास एक्नॉलेज पैकेट्स मौजूद है और फोर हमारे पास हैं अनएक्नॉलेज पैकेट, सेवन और फोर हमारे पास एक्नॉलेज पैकेट्स हैं। अब जैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी प्रीवियसली अनएक्नॉलेज पैकेट की तो आपके जो एक्ट पैकेट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी अपडेशन होगी कि अनएक्नॉलेज पैकेट सिक्स हो गए और एक्नॉलेज पैकेट आपके फाइव हो गए। स्टार्ट टाइमर इफ देयर इज एनी अनएक्नॉलेज पैकेट अगेन, तो आपने अगर कोई अनएक्नॉलेज पैकेट है तो उसका टाइमर अगेन रीस्टार्ट कर दिया जाएगा और जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती टाइमर के एक्सपायर होने से पहले पहले तब तक वो टाइमर चलता रहेगा। जैसे ही टाइमर एक्सपायर होगा और एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई तो रीट्रांसमिशन अकर होगी टीसीपी के सेंडर साइड के ये इवेंट्स है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि टीसीपी के जो रीट्रांसमिशन के सिनेरियोस हैं वो क्या है। हमने बात की कि टीसीपी रीट्रांसमिशन करता है जब उसे डुप्लीकेट पैकेट रिसीव होते हैं या जब उसे टाइमर एक्सपायर होता है, तो
तो लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि हमारे पास ए और बी दो होस्ट हैं जो आपस में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इनिशियली होस्ट ने ए ने सेंड किया 92 सीक्वेंस नंबर, जिसका जो साथ में ये भी बताया जा रहा है कि डेटा 8 बाइट्स का है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो पैकेट सेंड किया जा रहा है उसकी इनिशियल बाइट का एड्रेस है 92, और जो उसका एंड वाला बाइट होगा, जो लास्ट बाइट होगा, उसका एड्रेस होगा 92 इनिशियली है, ठीक है। तो 92 में प्लस 8 अगर मैं करूं तो मेरे पास ये बनेगा 99, ठीक है। तो 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 बाइट का डेटा जो है वो जा रहा है, जो कि रिसीवर पे जब रिसीव होगा तो यहाँ पे उसने इसको स्टोर कर लिया, या ये डेटा यहाँ पे रिसीव हो गया विद सीक्वेंस नंबर 92। अब जब 8 बाइट का डेटा है तो होस्ट बी से कहेगा कि नेक्स्ट जो आपने सीक्वेंस नंबर सेंड करना है दैट शुड बी 100, ठीक है। तो ऐप में वो नंबर रख के सेंड किया गया, लेकिन टाइम आउट हो गया और ये हमारे पास जो पैकेट है वो एक्सपायर डिस्कार्ड हो गया, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई। तो जब ये टाइमर एक्सपायर होगा, ये टाइम आउट होगा, तो उसके बाद सीक्वेंस नंबर 92 को अगेन सेंड किया जाएगा, लेकिन 92 सीक्वेंस नंबर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो बी क्या करेगा, उसे डिस्कार्ड कर देगा और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा 100 की के वो सेंड करो। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तो ये इसको नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस नंबर 100 का डेटा सेंड करेगा। इस तरह से हमारे पास जो लॉस एक्नॉलेजमेंट है वो रिकवर की जाती है यूजिंग रीट्रांसमिशन को। दूसरा हमारे पास जो सिनेरियो है दैट इज प्री मेच्योर टाइम आउट। प्री मेच्योर टाइम आउट बेसिकली क्या है कि आपने पाइपलाइन डेटा सेंड किया और आपने दो पैकेट इकट्ठे सेंड कर दिए, 92 with 8 byte of data and 100 with 20 bytes of data. एक ही acknowledgement, पहले की acknowledgement receive हो रही है 100, कि अब जो next data send करना है वो 100 send करना है, इससे पहले का data जो है वो receive हो चुका है। उसके बाद acknowledgement send की जा रही है 120 की, कि 120 तक data send हो चुका है, उसके बाद जो data है 119 तक data send हो चुका है, 120 से onward sequence number send करो। लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है आफ्टर टाइम आउट, ठीक है, जब टाइमर एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद रिसीव हो रही है। तो जैसे ही टाइमर एक्सपायर होगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगी, तो ये डेटा सेंड करेगा 92 का। जब इसको डेटा रिसीव होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 92 और 100 बाइट सीक्वेंस नंबर का डेटा मौजूद है। तो जब ये डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे रिसीव करेगा तो वो देखेगा कि लास्ट इन ऑर्डर डेटा पैकेट इसके पास मौजूद है उसका सीक्वेंस नंबर कहाँ तक है, उसका सीक्वेंस नंबर 119 तक होगा। तो ये इसे एक्नॉलेजमेंट किसकी सेंड करेगा, 120 की। तो जब इसको 120 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तो इसे समझ आ जाएगी कि जो आपका डेटा है 92 से 119 तक वो ऑलरेडी बी के पास मौजूद है, तो अब जो नेक्स्ट डेटा सेंड करना है वो कौन से सीक्वेंस नंबर का होना चाहिए, 120 सीक्वेंस नंबर का होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है क्यूम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। अब लेट्स सपोज हमने सेंड किया ए से बी पे दो पैकेट सेंड किए 92 और 100, लेकिन 92 की एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई, लेकिन 120 की एक्नॉलेजमेंट बिफोर टाइम आउट यहाँ पे हमें मिल गई। तो जब 120 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, तो इसका मतलब क्या है कि 120 से ऊपर जितना भी सीक्वेंस नंबर मौजूद है, दैट इज 92 से लेकर 119 तक, वो पैकेट भी इसको रिसीव हो चुके हैं। इसीलिए तो ये एक्नॉलेजमेंट 120 सेंड कर रहा है कि नेक्स्ट डेटा 120 का सेंड करना। तो इस एक्नॉलेजमेंट लॉस का आपके ओवरऑल इस सिनेरियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो डेटा ट्रांसफर किया जाएगा वो 120 सेंड किया जाएगा, रीट्रांसमिशन नहीं की जाएगी, ठीक है। सो क्यूम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करने का फायदा क्या है कि जो ऊपर की एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव ना भी हो तो उसकी वजह से आपकी जो इन ऑर्डर पैकेट डिलीवरी है उसकी वजह से उस एक्नॉलेजमेंट का ओवरऑल सिनेरियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम आते हैं कि टीसीपी के अगर कोई इवेंट जनरेट होता है रिसीवर पे तो टीसीपी का उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा, ठीक है। आपको याद हो तो हम एफएसएम में इवेंट बाय एक्शन का एक सिनेरियो देखते थे कि फलां इवेंट की बेस पे क्या एक्शन जनरेट होगा, ठीक है। तो रिसीवर पे अगर कोई एक्शन इवेंट अकर होगा तो टीसीपी उसके नतीजे में क्या एक्शन लेगा, ये स्लाइड हमें उसके बारे में बता रही है। अराइवल ऑफ इन ऑर्डर सेगमेंट विद एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर ऑल डेटा अप टू द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर ऑलरेडी एक्नॉलेज। तो अगर आपके पास जो डेटा अराइव हो रहा है वो इन ऑर्डर डेटा है और जितना भी डेटा रिसीव हो रहा है वो सारा डेटा एक्नॉलेज हो गया, तो क्या होगा, अराइवल ऑफ इन ऑर्डर डेटा इन ऑर्डर सेगमेंट विद एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, ठीक है,
कि आपको जो डेटा रिसीव हो रहा है वो वही है जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर का था, और ऑल डेटा अप टू द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर ऑलरेडी एक्नॉलेज, ठीक है, कि आपने जो डेटा सेंड किया था वो ऑलरेडी एक्नॉलेज हो गया, तो टीसीपी रिसीवर इसका क्या जो एक्शन है वो क्या लेगा इस पे, डिले एक्नॉलेजमेंट, वेट अप टू 500 मिलीसेकंड फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट इफ नो नेक्स्ट सेगमेंट सेंड एक्नॉलेजमेंट। तो क्या होगा कि आपने जो एक्नॉलेजमेंट है उसे डिले करना है और वेट करना है कि अब कोई और डेटा रिसीव होता है कि नहीं, अगर डेटा रिसीव नहीं होता तो अब जो डेटा रिसीव हुआ है उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दो एंड उसके बाद जो है वो वेट फॉर द नेक्स्ट डेटा टू अराइव। अराइवल ऑफ इन ऑर्डर्ड डेटा सेगमेंट विद एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, क्या आप जो डेटा सेगमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वही डेटा सेगमेंट आपको रिसीव हो गया ऑन अदर सेगमेंट हैज एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग, ठीक है, लेकिन कोई और एक सेगमेंट है जिसकी एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग है, तो क्या होगा, इमीडिएटली सेंड सिंगल कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजिंग बोथ इन ऑर्डर सेगमेंट। सो लेट्स सपोज आपको दो पैकेट रिसीव हुए 92 और 100, तो आप इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट 100 की सेंड कर देंगे, जिससे पता क्या चल जाएगा कि 100 तक जितने भी ऑर्डर पैकेट्स हैं वो इन ऑर्डर है, इसके बाद जो पैकेट है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। तो अराइवल ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट हायर देन द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, तो गैप डिटेक्ट करना है। लेट सपोज आपने एक्सपेक्ट किया सीक्वेंस नंबर 100, लेकिन आपको जो सीक्वेंस नंबर रिसीव हुआ वो 120 है, तो इमीडिएटली क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 और आपको 120 रिसीव हो गया जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर से हायर है, तो आप क्या डिटेक्ट करेंगे, गैप डिटेक्ट हो गया। तो इमीडिएटली एक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाएगी इंडिकेटिंग कि ये सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, 100 सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो रीट्रांसमिट आपको 100 सीक्वेंस नंबर किया जाएगा। अराइवल ऑफ द सेगमेंट दैट पार्शियली और कंप्लीटली फिल्स द गैप, तो इसके नतीजे में क्या होगा, इमीडिएटली सेंड एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइडेड दैट द सेगमेंट स्टार्ट एट द लोअर एंड ऑफ द गैप। कहते हैं कि अगर आपको एक ऐसा पैकेट रिसीव हो जाए जो कि गैप को कंप्लीटली या पार्शली फिल करता है, तो आपने क्या करना है कि एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देनी है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि जो आपका सेगमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो लोअर गैप को फिल करे, मतलब 120 के बाद आपने 110 रिसीव कर लिया तो आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, अगर आपने 98 रिसीव कर लिया तो वो आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे क्योंकि आपने लोअर एंड के गैप को फिल करना है। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिशन का। टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिशन क्या है, हम इसको पहले इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले होस्ट ए और बी आपस में डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं और पाइपलाइन में हमारे पास 5 पैकेट मौजूद है। सीक्वेंस 92 सेंड कर दिया किया गया जिसका साइज था 8 बाइट ऑफ डेटा, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई सेंडर को कि ये डेटा कंप्लीटली रिसीव हो चुका है। जब एक्नॉलेजमेंट 100 रिसीव हुई तो इसके नतीजे में अगला सीक्वेंस नंबर क्या होना चाहिए, 100 सीक्वेंस नंबर, लेकिन वो जब जो डेटा है वो रास्ते में पैकेट लॉस हो गया और वो बी को रिसीव नहीं हुआ। अब बी को रिसीव ना होना इसका मतलब क्या है कि वो डेटा बी को रिसीव नहीं हुआ, तो बी किस तरह से सेंडर को इंडिकेट करेगा, बी जो प्रीवियसली रिसीव डेटा है उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट जो सेंड की गई है 100, वो उसको 3 दफा सेंड करेगा, रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। एक एक्नॉलेजमेंट तो इस डेटा की मिली, बाकी 3 एक्नॉलेजमेंट जो नेक्स्ट पैकेट से उन्होंने कौन सी भेजी, ऊपर वाले डेटा की, ठीक है। तो इससे जब इसको 3 दफा एक ही सीक्वेंस नंबर की एक्नॉलेजमेंट रिसीव होंगी तो जो सेंडर है वो ये समझ जाएगा कि जो सीक्वेंस नंबर इससे ऊपर तक का था वो रिसीव हो चुका है, लेकिन ये सीक्वेंस नंबर 100 वाला रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या क्या होगा कि जब 3 डुप्लीकेट रिसीव होंगे सेंडर को, तो वो समझ जाएगा कि अब यहाँ पे पैकेट लॉस हो चुका है, तो वो क्या करेगा कि इस टाइम आउट के जो ये टाइमर है इसके एक्सपायर होने से पहले पहले वो सीक्वेंस को, उसी सीक्वेंस नंबर को जो जो के एक्सपेक्ट किया जा रहा है 100 वाला, उसे रीट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये रीट्रांसमिशन फास्ट रीट्रांसमिशन है। अगर आप देखें तो इससे पहले जितनी भी रीट्रांसमिशन हुई है वो टाइमर के एक्सपायर होने के बाद हुई है, लेकिन यहाँ पे जब भी आपको 3 डुप्लीकेट पैकेट रिसीव हुए हैं, 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई हैं, तो आपने इमीडिएटली विद इन दिस टाइम आउट इंटरवल वो सीक्वेंस नंबर रीट्रांसमिट कर देना है। इसलिए हम इसे कहते हैं ये फास्ट रीट्रांसमिशन है। तो टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिशन क्या है, इफ अ सेंडर रिसीव 3 एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेम डेटा, ट्रिपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, रीसेंड अनएक्नॉलेज सेगमेंट विद द स्मॉलेस्ट सीक्वेंस नंबर। तो इसका जो स्मॉलेस्ट सीक्वेंस नंबर था वो क्या था, हमारे पास यहाँ पे
100 सीक्वेंस नंबर स्मॉलर था तो इसको रीट्रांसमिट कर दिया गया, लाइकली दैट द अनएक्नॉलेज्ड सेगमेंट लॉस्ट, सो डोंट वेट फॉर द टाइम आउट। तो यहाँ पे जो फास्ट रीट्रांसमिशन है उसका मेन पर्पज क्या है, यहाँ पे है ये एक तरह की रीट्रांसमिशन ही, लेकिन इट डज नॉट वेट फॉर द टाइमर टू एक्सपायर एंड देन रीट्रांसमिट, बट इट रीट्रांसमिट विद इन सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम आउट पीरियड ऑफन रेलेटिवली लॉन्ग, लॉन्ग डिले बिफोर द रीसेंडिंग ऑफ द पैकेट लॉस। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर आपने पैकेट लॉस डिटेक्ट कर लिया है तो उसे टाइम आउट होने से पहले पहले ही आप रीट्रांसमिट कर दें ताकि आपका जो टीसीपी का कनेक्शन है वो फास्टर हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टीसीपी फास्ट रीट्रांसमिशन एंड टीसीपी ट्रांसमिशन सिनेरियोस, जो के और वो इवेंट जो के सेंडर और रिसीवर पे अकर होंगे, ये उस बारे में जो हमने पढ़ा है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।